मामला गलत हो और कोई गलत फैसला कराना चाहे चाहे गलत बात मनवाना चाहे तो नहीं मानते थे। और बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक भूमिका रहती थी हर मामले में उनकी। 12 का गौरव उन्होंने लिखा, 12 के गौरव में यहाँ जितने जिन लोगों की भी 12 में किसी भी तरह का कोई भी योगदान था उनको सारा वो कलेक्शन, बड़ा कलेक्शन था, मुझको लगता है कम से कम उसमें 55-60 लोगों की जीवनी है। जो मोहतरम नरसिंह खां प्रधान जी के बड़े भाई थे, आज किसी तरह भी का भी कोई आदमी किसी समस्या को लेकर आता था तो उसका समाधान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से करते थे। सरवत महमूद खान पूर्वांचल का एक अजीम साहित्य प्रेमी थे। सांसद अफजाल अंसारी, मेरे गार्जियन का सर से साया उठा है, पूर्व मंत्री और मेंबर असेंबली जमानिया ओम प्रकाश सिंह, ये बातें पूर्वांचल के मशहूर लेखक और सामाजिक कारकुन सरवत महमूद खान का दुनिया से पर्दा करने के बाद इस अजीम शख्सियतों का ख्याल। हजारों लोगों ने 20 जनवरी को करीब 3 बजे उनके खानदानी कब्रिस्तान में लोगों ने सपुर्द खाक किया। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, दुनिया के मशहूर शायर आजम अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिला गाजीपुर का सेवराई तहसील का मशहूर गंगा के किनारे बिहार उत्तर प्रदेश का सरहदी गांव सभा 12 के निवासी सरवत महमूद खान 19 जनवरी दिन के करीब 12 बजे उस वक्त दुनिया से पर्दा कर गए जब वह जुमे की नमाज की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनकी रुखसत होने से पूरे हलके में गम का माहौल छा गया। 20 जनवरी के रोज़ दिन के करीब 3 बजे उनके आबाई गांव पश्चिम जानिम गंगा के किनारे कब्रिस्तान में हजारों लोगों की मौजूदगी में सपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे की नमाज जिला के मशहूर मदरसा दीनिया के नाजे में आला मौलाना सऊदुल हसन नदवी ने पढ़ाई। उनके जनाजे की नमाज में गाजीपुर बिहार के कई गांव के लोग मौजूद थे। आपकी अहलिया मोहतरमा हसीना खातून साल 2000 से 2005 तक गांव की प्रधान भी रह चुकी थीं। उनके छोटे भाई सतवत महमूद खान उर्फ नसन खान 2010 से 2015 तक गांव के प्रधान थे। सरवत महमूद खान का यूं पैदाइश 9 मार्च 1952 है। वह 1983 से 2016 तक खाड़ी देश के बहरीन में रहकर अदबी और सामाजिक जो खिदमात किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी किताब माता पिता का अधिकार, मुकामे वालदैन, हमारे धरोहर, हमारे गौरव ऐसी जिंदा जावेद किताबें हैं। इसके अलावा कई किताब इन दिनों छपने के लिए गई हुई हैं। सरवत महमूद खान ने नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मिशन का संरक्षक के साथ ही साथ 12 साहित्य मंच और डॉक्टर अब्दुल हफीज इस्लामिक फाउंडेशन के संस्थापक की हैसियत से जो खिदमात दिया है उसे कभी इलाका भूल नहीं सकता है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। दरियाए गंगा के किनारे मौजूद आबाई कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए एक ख़ास जगह पक्का कराने के साथ ही साथ बुज़ुर्गों को बैठने के लिए 2 बड़े बड़े चबूतरे अपने देख रेख में उन्होंने बनाया था। किसी शायर के मुताबिक, किस्मत वालों को नसीब होगा आखिरी दीदार हमारा, हमारा जनाजा बयान करेगा हमारे तअल्लुक की वजाहत। किस्मत वालों को नसीब होगा आखिरी दीदार हमारा, हमारा जनाजा बयान करेगा हमारे तअल्लुक की वजाहत। उनके आखिरी रसूम में
खास तौर पर समाजवादी पार्टी के जिला सदर गोपाल यादव, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक जामानिया ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर रविंदर राय, लेखक सुहेल अहमद, इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर फरीद अहमद गाजी, जिला परिषद मेंबर अफजाल आलम, तहरीक इस्लाह माशरा समिति के सदर एडवोकेट इनामुल हक खान, समिति के साबिक सदर अब्दुल कलाम खान, हैदर अली खान, समाजवादी पार्टी के अखिलेती सेल के सेक्रेटरी, रियासती सेक्रेटरी वाजिद सिद्दीकी, एस के बेब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आसिफ खान, शम्स मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल नाजिम रजा, भदोही से आए हुए सी ए सुहेल अहमद खान, हैदर अली खान, बारा डॉक्टर वसीम रजा खान, जबुरना के ग्राम प्रधान हाफिज सरफराज अहमद खान, गौसला प्रधान इरफान खान, अबू बकर खान, हैदर अली टाइगर के अलावा काफ़ी तादाद में लेखक, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत मेंबर मौजूद थे। गाजीपुर के मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने कहा है कि पूर्वांचल का एक अजीम शख्सियत हमसे रुख्सत हुआ है, जिसने कभी जात मजहब नहीं देखा, खिदमत में लग जाना और ताऊन करना अपना फ़र्ज औलेन समझा, और जो किताबें उन्होंने लिखी और मरतब कराई है उसे रहती दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जमानिया ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि हमारा एक गार्जियन जो हमारे सर पर हमेशा साया की तरह हमारी रहनुमाई फरमाते थे, अब वो हमसे कोसों दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी नसीहत के ज़रिए इलाके में हमेशा तरक्की के काम करता रहूँगा। उनकी कमी को पूर्ण करना अब काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उनके मिशन को आगे फैलाना हमारा भी कर्तव्य है। अब आप कुछ लोगों से उनकी शख्सियत के बारे में सुने। आखिर में यही कहता है ऐसे लोगों के बारे में कि मौत का खौफ उन्हें दिखाओ जो ज़िंदगी से प्यार करते हैं, मौत का खौफ उन्हें दिखाओ ज़िंदगी से प्यार करते हैं, हम ऐसे नवाब हैं जो हमेशा मौत का इंतज़ार करते हैं। ज़िला गाजीपुर से Z72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर रविंदर राय कहाँ के रहने वाले हैं? कुतुबपुर। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप आए हैं सूरत महमूद साहब के जनाजे में शामिल होने के लिए, शख्सियत कैसी थी इनके बारे में? अरे भाई, शख्सियत तो हमारी एक तरह से एक भुजा थे हमारी वो, और बहुत ही समाज सेवा से जुड़े हुए थे, और जो कुछ भी लिखते पढ़ते थे हमको दिखाते थे, साहित्यिक चीज़ें पत्रिका वत्रिका में देते थे तो हमको दिखाते थे, तो हम फाइनल करते थे तभी उसको कहीं भेजते थे। अच्छा। और वो जिस भी किसी तरह भी का भी कोई आदमी किसी समस्या को लेकर आता था तो उसका समाधान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से करते थे, मामला सही जान जाने पर ही उसमें पड़ते थे, मामला गलत हो और कोई गलत फैसला कराना चाहे, चाहे गलत बात मनवाना चाहे तो नहीं मानते थे। अच्छा जी, तो उनके जरिए आप संदेश अब लोगों को क्या देना चाहते हैं, आम लोगों को? अब हम लोगों को संदेश है कि उनका नकल करके कोई भाई समाज सेवा से जुड़े, समाज सेवा से हर आदमी जुड़े, कुछ ना कुछ भलाई का काम करे। धन्यवाद बात करने के लिए। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के 12 गांव के हुमेल खान मरहूम के नाम से, मरहूम के नाम से कब्रिस्तान है ये, इसी कब्रिस्तान में आपको अभी अभी सपुर्द खाक किया गया है। इस क्षेत्र की पूर्वांचल की एक मशहूर हैसियत, इनका अदबी और समाजी बड़ा खिदमत था सरवत महमूद साहब का। आप इसी गांव के रहने वाले हैं लेकिन बाहर सीए हैं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपके बारे में कि बताएं हमको आप। जी, सबसे पहले तो मैं जनाब सरवत महमूद साहब के हवाले से, ऐसी अदबी शख्सियत जिनके 10-15 साल से ऐसे खिदमत हैं, जब वो गांव में आके
क़याम किया उन्होंने, तो अदब को एक जिला बख्शी, एक नई रोशनी दी, और ख़ुसूसन उन्हें कई तबाहतें उन्होंने शाये किया और तहक़ीकी जहन रखते थे और बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक भूमिका रहती थी हर मामले में उनकी। और उन्होंने यही उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत थी कि चीज़ों को बहुत दूरंदेशी से और तहक़ीक के दायरे से देखा करते थे। और कई किताबें उन्होंने लिखी, उसमें बारा के गौरव और अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें उनके हवाले से सामने आईं जो हम नए नौजवानों को और नई नस्ल को बिल्कुल पता नहीं थी। यही वजह थी कि उनके जनाजे की में इतनी जमे गफीर जुटी थी और मैं भी रोक नहीं सका, क्योंकि मैं उनके साथ 3 साल काम किया हूँ। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वो सदर थे और मैं बहसियत मैनेजर था, तो रोज़ाना ही इस मसले पे उनसे बातें हुआ करती थी। तो मैंने ऐसा पॉजिटिव सोच वाला आदमी जो किसी न किसी तरह से मसले को हल करने की चाहत रखता हो। अभी आप कहाँ से आए थे? मैं भदोही से आया हूँ। देखा आपने, भदोही से भी आप सीए हैं, मशहूर सीए हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, हमेशा 15 दिन पे आते हैं। और जहाँ पे अभी ताबूक रखा हुआ था, उस ताबूक को खुद उन्होंने, ताबूक जहाँ पर जनाजे की नमाज रखने के लिए इस बड़े कब्रिस्तान में खुद अपने हाथों से बनवाया था। और ये देखिए, दो बैठने के लिए रखा है ताकि कहीं बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है तो लोग कैसे बैठेंगे। यहाँ पेड़ भी लगा दिया गया है ताकि छाँव भी रहेगा। इन तमाम खूबियों के मालिक थे। मैं मोहम्मद माशूक खान हूँ। मैं मौजा डूमरी दुर्गावती कैमूर बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं इज़्ज़त माब जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, आली जनाब शरवत महमूद खान साहब बारा, जो मोहतरम नसन खां प्रधान जी के बड़े भाई थे, आज इस दुनिया से चले गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शख्सियत के बारे में कुछ बताएंगे? इनकी शख्सियत की ये था कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, हमने जब से इनको देखा है तब से इनको मैंने ये देखा कि तमाम खिदमात के साथ साथ अपने लोगों के बीच में इत्तेहाद, अपने लोगों के बीच में तरक्की, अपने लोगों के बीच में तालीम, जो ये पूरी चीज़ें हैं सामाजिक ताना बाना, इसके लिए वो बराबर कोशा रहते थे और मेहनत करते थे कि हमारे लोग, हमारी आवाम, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ तालीम से जुड़े और एक साथ अपने में मोहब्बत कायम रहे। मेरी मुलाकात हो रही है बारे में मोहम्मदाबाद कस्बे से आए हुए ज़िया साहब से। मैं उसे जानना चाहता हूं कि आपकी शख्सियत के बारे में क्या जानते हैं। मोहतरम मरहूम में मेरे बड़े मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। जानना यह है कि बचपन से हम लोगों ने जब आँख खोला तो उनकी गोद में ही खोला, और उनके जैसी शख्सियत इस दौर में अब शायद दूसरी न हो। जब वो बहरीन में थे, बहरीन में रहे वो एक लंबे अरसे तक, वहाँ भी अदबी हलके में मसरूफ़ रहे, कोई ऐसा मुशायरा या कोई ऐसा जलसा या कोई ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ उनकी शिरकत न रही हो या वो उसमें शामिल न रहे हों। जितने लोग यहाँ से इंडिया से गए, उनसे उनको अपने यहाँ ठहराना या उनके रहने का इंतज़ाम करना या और बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक तौर पर हो सकता है वहाँ भी उन्होंने किया, और वहाँ से आने के बाद उन्होंने सामाजिक चीज़ों के लिए अपने को वक्फ़ कर दिया था। और सिर्फ सामाजिक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इस दौर में, मतलब सोचने की बात है, जब लोग अपनी किताबें नहीं छपवा पा रहे हैं, उस वक्त यहीं बारा के कई शोरा जैसे शोला बारवी का या और दूसरे लोगों का कि लिखी हुई चीज़ें थीं जो अब कमयाब थीं या ज़ाया होने के करीब थीं, उनको इकट्ठा करना, शाया कराना अपने ख़र्च पे और अपनी ज़िम्मेदारी पे उनको इजरा कराना, उनके जो लवाहकीन हैं उनकी मदद करना। बारा का गौरव उन्होंने लिखा, बारा के गौरव में यहाँ जितने जिन लोगों की भी बारा में किसी भी तरह का कोई भी योगदान था, उनको सारा वो कलेक्शन, बड़ा कलेक्शन था, मुझको लगता है कम से कम उसमें 55-60 लोगों की जीवनी है, उस तरह का काम करना। या भी एक किताब उनकी प्रेस में है, तवारीख मक्का, मक्का का इतिहास,
उसमें जिस तरह का मवाद है मुझको नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने लिखा हो या कहीं छपा हो, और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आएगा मंजर-ए-आम पर। और भी जैसे बारह के गौरव के अलावा बारह के धरोहर या 1857 से 59 के बीच में आज़ादी के उसमें बारह का योगदान या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जो एक बार मिल लेता था ज़िंदगी में, मेरी गारंटी है कि वो उनको भूल नहीं सकता था। देखा भी आपने, आपकी एक शख्सियत थी, लेकिन इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए। अल्लाह ताला पैदा करता है तो अपने आप को उसी काम में मसरूफ़ होना चाहिए। मैं यकीन करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से लोग प्रभावित होंगे और इस तरह का काम करने के लिए सोचेंगे। 72 न्यूज़ के लिए विशेष रिपोर्ट।